तो बड़ी खबर सिरसा से, बीजेपी जेजेपी के जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज। तो जिस तरीके से इलाहाबाद चुनाव का आगाज हुआ है उसको देखते हुए अब जो मीटिंग का दौर है वो भी शुरू है। श्री बाबा ताराकुटिया में होगा सम्मेलन का आयोजन, तो कुटिया के सत्संग स्थल पर होगा सम्मेलन। तो सिरसा से बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे होगा सम्मेलन। गोविंद कांडा के चुनाव अभियान को लेकर यह सम्मेलन होगा। एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार है गोविंद कांडा। उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश इस सम्मेलन में जारी किए जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सिरसा से, यह बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम भी इस सम्मेलन में मौजूद होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित तिवाड़ी जुड़ चुके हैं। जी अमित, क्या जानकारी है इस सम्मेलन को लेकर, क्योंकि तैयारियां जोरों पर हैं। जी बिल्कुल, तैयारियां जो है वो चुनाव अभियान की जोरों पर है। कल का जो दिन था नामांकन का था, और उसमें प्रभावशाली जो मौजूदगी गठबंधन के नेताओं ने दिखाई, और आज एक बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है, और इसमें जिला भर के तमाम कार्यकर्ता जो जजपा और भाजपा गठबंधन के हैं वो सभी यहां मौजूद रहेंगे, और साथ साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, और साथ साथ जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह, और भाजपा की ओर से चुनाव प्रभारी सुभाष बराला हैं, और मनीष ग्रोवर जो पहुंचे हुए पूर्व मंत्री, तमाम नेता जो हैं वो यहां कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे किस प्रकार से जो एलनाबाद उपचुनाव में आगे गतिविधियां बढ़ाई जाए। और गोविंद कांडा भाजपा उम्मीदवार के रूप में कल ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब अभियान का श्रीगणेश करना है किस प्रकार से, कौन से गांव में कौन से कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई जाएगी, तमाम बातों पर जो है वो चर्चा इस बैठक के दौरान, इस सम्मेलन के दौरान होगी, और दिशा निर्देश जो है वो कार्यकर्ताओं को मिलेंगे कि किस प्रकार से अभियान को गति देनी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सिरसा से बड़ी खबर थी, एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार है गोविंद कांडा, और आज श्री बाबा ताराकुटिया में सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे, और उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश